नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुंजिया मूवी के ट्रेलर के बारे में। चलिए आइए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस ट्रेलर में क्या फ़ोटोज़ हैं, क्या हिडन डिटेल्स है, सारी चीज़ बताऊंगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मुंजिया मूवी का पहले सबसे पहले हम कास्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको अभय वर्मा एज ए लीड एक्टर दिखाई देंगे, सरवारी वाघ लीड एक्ट्रेस, मोना सिंह है इसके अंदर, और सत्यराज, ये जो कास्ट है इसके लीड जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बताए। आदित्य सरपोतकर ये डायरेक्टर हैं मूवी के, दिनेश विजन, अमर कौशिक, सचिन जिगर, ठीक है, दिनेश विजन और अमर कौशिक प्रोड्यूसर, सचिन जिगर ये म्यूजिशियन है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस मूवी के लिरिक्स लिखे हैं, नीरेन भट्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर है। ठीक है भैया, बात करते हैं इस ट्रेलर की फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहले हमको ना कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं, उसमें एक इमेज ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो हमको दिखाया जा रहा है, चितोवाड़ी, ठीक है, ऐसा कुछ जगह का नाम हमें बताया गया है। और एक्चुअल में आप ये देखेंगे ध्यान से तो ये चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जगह है, मतलब ये इन शॉर्ट एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है, जो हमको इसमें फर्स्टली ट्रेलर में दिखाया गया। इससे इसके बाद देखिए, मैं आपको बता दूँ इस आइलैंड की इम्पोर्टेंस। इसको अगर थोड़ा सा आप जूम करके देखें तो ये यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है ये, और ये पूरी घेराबंदी आप देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल एक किले की तरह लग रहा है। मतलब कि पुराने टाइम में हो सकता है ये कोई किला हो, ठीक है, जिसमें अब कोई रहता नहीं है, इस वजह से इतने सारे पेड़ पौधे इसमें उग गए हैं और ये बिल्कुल जगह अबांडेंड हो गई है, वीरान हो चुकी है, ठीक है। और ये छोटा सा मतलब पेड़ जो दिख रहा है आपको, और उसमें छोटी सी ये जो लाइट जल रही है उसका फ़ोटो मैं थोड़ा सा देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये वही जगह है, अब हम उसी पेड़ की तरफ आ रहे हैं, ये पेड़, और ये आप देखेंगे ट्रेलर में जब ये पेड़ दिखाया जाता है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ स्त्री, तो ठीक है स्त्री मूवी इसके मेकर की तरफ से ही है ये मूवी। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेलर में भी बोला गया है कि मुंजिया, ठीक है, जिसकी शादी मुन्नी से नहीं हो पाई थी, और इसी वजह से उसकी डेथ के बाद उसकी जो उसका बॉडी को जो है यहाँ पर दफनाया गया, और उसकी राख बोलते हैं अभी भी यहाँ पर दफन है, ठीक है, राख दफन है, जलाया गया सीधा दफन गया ये क्लियरिटी नहीं हो रही है, लेकिन इस जगह पर वो मुंजिया जो था, लड़का था, बच्चा था, उसकी बॉडी को यहाँ पर बैरी किया गया, बॉडी के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर बैरीड हैं, इस वजह से उसकी जो आत्मा है अब वो मुंजिया बन गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ है यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट यहाँ पर सीन देखेंगे तो यहाँ पर अपने को दिखाया जाता है एक गांव का सीन, ये पूरे जितने भी घर हैं ये पूरा हमको ब्रॉड करके हम देखें तो गाँव का सीन है। इसके बाद एक शादी वगैरह हो रही है, ठीक है, उसके बाद वाले सीन में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो मुन्नी से प्यार करता था, और शायद इन दोनों की जो शादी है हो नहीं पाई और ये कुछ काले जादू के चक्कर में मर चुका है। इस फोटो इस जो स्क्रीनशॉट में आप डिटेलिंग्स आप देखें ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर, देखिए ट्रेलर में ही आगे कुछ एक हड्डियाँ बताई गई हैं, ठीक है, जिसके थ्रू इसने काला जादू किया था, मुर्गे की हड्डी, तो देखिए मुर्गे की हड्डी रखी हुई है, ये कोई किताब है था तंत्र मंत्र की जिसके थ्रू ये काला जादू कर रहा था। ये देखिए कुछ और काला जादू की सामग्री, माचिस वगैरह, यहाँ पर कुछ और काला जादू की सामग्री, ये सब देखिए आप, इन सब से पता लग रहा है काला जादू करता था और खुद ही उसका शिकार हो गया, खुद ही मारा गया काले जादू के चक्कर में, ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई आपको। अब देखिए नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम, ये जो अपना मेन लीड एक्टर है अपने मूवी का, मैंने आपको पहले ही नाम बता दिया, अभय वर्मा, ठीक है, जो मेन लीड एक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुंजिया है अपना अर्बन लेजेंड, एक्चुअली इसे अर्बन लेजेंड आप बोलिए, जो जिनकी डेथ जल्दी हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो अर्बन लेजेंड बन जाते हैं, मुंजिया ऐसा कुछ है कहावत, माफ़ कीजिएगा, वो स्टोरीज हैं पुरानी ऐसी,
तो ये अर्बन लेजेंड जो मुंजिया है, मे भी उसका हो सकता है इस बंदे के साथ कोई रिलेशन है। इसी वजह से जब ये यहाँ पर आता है तो मुंजिया डिटेक्ट कर लेता है कि ये उसका ही कोई फैमिली मेम्बर या मे बी उसके जनरेशन का कोई आदमी है, और इस पर वो हावी हो जाता है। आप इसके बाद जब नेक्स्ट सीन देखेंगे, देखिए इसके ऊपर मतलब अभी उस तरह का, अब देखिए यहाँ पर जो हमको डिटेलिंग मिलती है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है मुंजिया कैरेक्टर की, तो मुंजिया किस तरह का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बंदे के दो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पहली चीज, इसके सिर पर चोटी है, ठीक है, इसके सिर पर चोटी है, पूरे सिर पर बाल नहीं है, सिर्फ चोटी है। सेकंडली, यहाँ पर इसने जनेऊ पहना हुआ है, अगर ये देखेंगे सफ़ेद सा धागा है यहाँ पे, तो ये दो डिटेल अगर आप देख रहे हैं तो इससे ये पता लगता है कि ये मे भी हो सकता है कोई ब्राह्मण है, और मे भी हो सकता है ये मुन्नी जो लड़की थी वो कोई दूसरी कास्ट की हो, इस वजह से इसके घर वाले रेडी ना हो इस शादी के लिए, और वो काले जादू वगैरह के चक्कर में पड़ के फिर इसकी डेथ हो गई हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट सीन में अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा सिटी का सीन है, इसके बाद में ये जो लड़का मैंने बताया अभय वर्मा जो आपका मेन लीड एक्टर है, उसको चलते हुए दिखाए थे, ये चरस वगैरह जो है फूकना चालू कर देता है, ऐसा बैकग्राउंड से हमको पता लगता है। इसके बाद अपन देखते हैं तो एक बस का सीन है, प्रॉबेबली ये जो लेडी है यहाँ पर आप देखें तो मोना सिंह, ये इसके मदर का रोल कर रही है मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इस सीन में आप देखेंगे तो ये जो लेडी यहाँ सो रही है इसके पीठ पर भी कोई निशान हो जाता है, और इसके सेम इसके पीठ पर भी, और ये काम और कोई नहीं कर रहा होता है, ये काम मुंजिया कर रहा होता है। आप यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखेंगे तो ये जो फिगर है ये अपना अभय वर्मा, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर जब सेम उसका अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन परछाई, तो उसमें ये मुंजिया जो है ये बैठा हुआ दिखाई देता है उसके पीठ पे। अपन नेक्स्ट सीन में आते हैं तो ये अपने दोस्त के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा होता है कि मैं इस तरह का प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है। अपन नेक्स्ट सीन में आते हैं तो भाई ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, अगर कास्ट की बात की जाए सत्यराज, सत्यराज या फिर आप इसको इनको कह लीजिए कटप्पा मामा, कटप्पा जिसके जिसके जिस कैरेक्टर के बीच इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिला, वो यहाँ पर एक कॉमेडी सीन करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। कॉमेडी कैरेक्टर जो भूत भूत भगाने वाले होते हैं, कुछ उस तरह का रोल यहाँ पर इनको दिया गया है। भाई अगर नेक्स्ट सीन पे देखें तो ये देखिए भूत भगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जिस लेडी के मुंह पे इन्होंने ये जो भस्म वगैरह मारी है, ठीक है, वो लेडी भी थोड़ी देर में मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पर जब अभय वर्मा कुछ फोटोज स्क्रॉल कर रहा है तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर ये मुंजिया के जो पास्ट है शायद उसको जानने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो वही देख रहा है कि वो कौन था, उसके फैमिली कौन थी, उस तरह के जितने उसे फोटो डिटेलिंग सबूत मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें वो एनालाइज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं एक बस जाती हुई दिखाई दे रही है, मे प्रॉबेबली मुंजिया के गाँव, और इस बस में कौन बैठा है वो भी मैं आपको बता दूँ, ये लेडी बैठी है, और आई एम 100% श्योर कि ये लेडी अकेली नहीं होगी, इसके साथ में अपना मेन लीड एक्टर अभय वर्मा और जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं सरवारी वाघ, इसके साथ में मेन लीड एक्ट्रेस अपनी सरवारी वाघ भी होंगी, ठीक है। तो ये लोग जा रहे होंगे मुंजिया के गांव ये देखने के लिए कि क्या हुआ था एक्चुअल में उस लड़के के साथ, उसका बैक स्टोरी क्या है। भाई उसके बाद में अपने को दिखाया जाता है, अपने ने अगर कांतारा मूवी देखा है तो एक चीज़ वहाँ बताई गई थी भूताकोला, अगर अपन ने कांतारा मूवी देखा है तो भूताकोला अपने को पता होगा कि कुछ उस तरह का ही रिचुअल परफॉर्म करते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये सेम रिचुअल के कुछ फोटोग्राफ्स। इसके बाद मैंने जो बताया था ना फर्स्ट फ्रेम में मुर्गे के जो हड्डियाँ थी वो देखिए ये कुछ काला जादू कर रहा है। इसके बाद में इसमें एक डायलॉग ये भी आता है कि अगर कुछ नर बलि भी देनी है, उस तरह की डायलॉग आती है, तो ये दोनों का प्यार है बचपन का, ठीक है। तो ये दोनों लोग हैं और ये जो बंदा है यही मतलब सीरियस हो के इस लड़की के चक्कर में सारी चीज़ें करता है, ठीक है। इसके बाद ये 7 जून को मूवी आने वाली है, वैसे बहुत ही कम नोटिस में मूवी रिलीज कर रहे हैं जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है लोगों के लिए।
यहाँ पर देखिए कुछ वही शायद पेड़, और ये कुछ यहाँ पर आई थिंक वही, देखिए आप ध्यान से देखें तो जो मुंजिया था उसका जो हॉरर हॉरिफाइड फेस था, कुछ इस तरह का फेस ही यहाँ पर हमें मूर्ति में दिख रहा है। ठीक है, ये वही लड़की है जो अपना अभय वर्मा के साथ शायद गर्लफ्रेंड है उसकी। यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक बंदा है, ये बंदी है एक्चुअल में। अब ध्यान से अगर देखें तो इस सीन में ये जो बंदी है इसके हाथ में, ये आप देखें तो इसके हाथ में ये बकरी है, ये बकरी है। तो मतलब कि ये बंदी शायद हो सकता है अभय की माँ है या कोई और हो सकती है जो इस बकरी की बलि दे रही है। ठीक है, और ये वही जगह है जहाँ पर मुंजिया का पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लाइट जल रही है, और ये जो कागज़ है इसमें शायद कुछ प्रोसेस है जो इनके हाथ लगी है जिसके बेस शायद मुंजिया को ख़त्म किया जा सकता है। ये अभय वर्मा है तो ये लोग यहाँ पर वही चीज़ करने आए हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट सीन यहाँ पर देखते हैं, तो ये अभय वर्मा जिसको मुंजिया ने पकड़ लिया है, उसकी डालियों में घेर लिया है। नेक्स्ट सीन पे आते हैं तो ये प्रोड्यूसर्स के नाम, ये मुंजिया का एक और फोटो। उसके बाद ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड ट्विस्टिंग कैरेक्टर है गीता, गीता मौसी में भी, तो इसके हाथ में एक छड़ी है। आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ये छड़ी देखिए कुछ अलग तरह की है। ये इसमें दो डंडी है, एक ये दो डंडी है। आगे से छड़ी पतली होती जाती है, मतलब इसका एक्चुअल में जो शेप है कुछ इस तरह का है। देखिए आप, कुछ इस तरह के शेप में है ये छड़ी। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल छड़ी नहीं लग रही कोई। और यहाँ पर आप देखें तो कपड़े में जैसे तलवार होती है ना म्यान में, वैसे कपड़े में इसे बहुत संभाल के रखा गया है। अब ये छड़ी निकाल के ये जब मारती है पेड़ पे, आप देखेंगे तब कोई एक लाइट ग्लो हो रही है। ठीक है, मतलब ये कुछ अभिमंत्रित है शायद। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी यू नो स्टिक, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्टिक, इट इज़ यू नो ये थोड़ी पावरफुल स्टिक है। यहाँ पर अपन नेक्स्ट सीन में आते हैं, तो देखिए ये वही लड़की है जिस पर उसने कटप्पा मामा ने कुछ फेंक के मारा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन अपन देखते हैं तो ये लोग उसके देख के डर गए हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सीन पे आते हैं। यहाँ पे तो ये कुएं में से कोई निकल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इंटरेस्टिंग सीन मैं आपको बताऊं। देखिए ये सब वही सीन है, मुझे ये लगता है ये जितने भी सीन्स हैं अभिमंत्रित हो रहे हैं, ये लोग साथ वहाँ जा रहे हैं मारने, तो ये सब क्लाइमैक्स के सीन हैं। ये सारे के सारे सीन आपको क्लाइमैक्स में ही आई थिंक देखने को मिलेंगे। अपन नेक्स्ट सीन देखें तो देखिए ये आई थिंक वही बंदा है कटप्पा जो शायद भूत को पकड़ना चाहता था, और उस भूत ने इसको पकड़ लिया है, और इसी के साथ कुछ और लोग, और ये अपना अभय वर्मा है, और ये उसका दोस्त, ये उसकी माँ है। ठीक है, अब ये मे भी कटप्पा नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये बंदा भी कटप्पा जैसा ही लग रहा है जो कोने में खड़ा है, तो देखने वाली बात होगी कि ये बंदा या तो कोई और है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर हमको मुंजिया देखने को मिलता है, और यही कुछ क्लाइमेक्स वाले सीन की तरह कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये मे भी हो सकता है कटप्पा है या तो कोई और जो मुंजिया की गर्लफ्रेंड को आई थिंक माना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, कुछ इस तरह के सीन्स के साथ मूवी हो जाती है, माफ़ कीजिए ट्रेलर हो जाता है एंड। तो भाई मोटा मोटा जो मुझे स्टोरी समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि एक बच्चा था जिसको किसी लड़की से प्यार हुआ, और उन दोनों की शादी नहीं हो पाई, इस वजह से उसने ब्लैक मैजिक का यूज करना शुरू किया, और ब्लैक मैजिक का जो असर है वो उल्टा हो गया, उसकी हो जाती है डेथ, और उसकी डेथ के बाद में उसके पेड़ के नीचे ही उसको दफना देते हैं या उसकी राख को दफना देते हैं, और उसके बाद में बहुत सालों बाद कोई उसका वंशज वहाँ आता है और वो मुंजिया बन के या भूत बन के पीछे पड़ जाता है, लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है, या उसकी जो आखिरी इच्छा है मुन्नी से शादी करने की, या मुन्नी कौन है उस जन्म में, या भी हो सकता है जिन लोगों ने उसे मारा उन लोगों से बदला लेना चाह रहा है, कुछ उस चीज़ के लिए घूम रहा है। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, शायद उसी की वजह सारे रिचुअल्स कर रहे हैं। ठीक है, उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो इन्हीं सब के बीच में मूवी रहेगी। मेरी तरफ से भाई इस ट्रेलर को रेटिंग रहेगा 7/10। मुझे सीरियसली इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रह रही है मूवी से,
देखते हैं आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स निकल के आते हैं मूवी के कैसी होती है, तो समय बताएगा। वेल थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।